हेलो डॉक्टर, कैसे हैं आप? आज का टॉपिक हमारा आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत हमने बहुत बार सुन रखा है, टीवी पर सुन रखा है। आज मैं बताता हूँ आयुष्मान भारत क्या। आयुष्मान भारत स्कीम 23 सितंबर 2018 को भारत ने लॉन्च करा था। इसमें दो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस आती है। सबसे पहले देखते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये पुरानी योजना है जो इसमें इंक्लूडेड कर दिया है। इसमें 10 करोड़ फैमिली या फिर 50 करोड़ पॉपुलेशन को हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं। कितने का? अप टू 5 लाख। इसमें एज, डिजीज या फिर मेंबर्स कोई लिमिट नहीं है। एज कितनी है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डिजीज कौन सी है इसमें भेदभाव नहीं है, कौन सी डिजीज में आता है। अप्रोक्स ऑलमोस्ट ऑल द डिजीज आर इंक्लूडेड इन दिस आयुष्मान भारत। अब बात करें इसका मेन, इसमें 3 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 15 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसिव मिलता है, जिसमें डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट फ्री होती है। अब बात करें दूसरी बोले तो कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। इसमें मेन एम क्या है? इसमें मेन एम है एग्जिस्टिंग सब सेंटर जो है उसको कन्वर्ट करना है हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर में। और प्रिंसिपल क्या है? टाइम टू केयर टू वी नॉट मोर देन 30 मिनट। मतलब किसी भी कोई विलेज से आने में किसी को 30 मिनट से ज़्यादा टाइम न लगे, उसको तुरंत डायग्नोसिस मिले, तुरंत ट्रीटमेंट शुरू हो उसका। इसमें CHO पर लेवल पर रहेंगे। CHO बोले तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। कौन होगा? नर्स। कवरिंग करेगी ये 3000 to 5000 पॉपुलेशन में। इसमें PHC लिंक कर देंगे HWC से। HWC क्या? हेल्थ एंड वेल्फनेस सेंटर, जो पहला रेफरेंस सेंटर होगा। तो इसमें मेन कौन होगा? PHC मेडिकल ऑफिसर, जिसकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी सारी सर्विस एंश्योर करने की। कौन सी सर्विस? CPSC कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर एट ऑल द HWC हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर। अब बात कर लें पॉपुलेशन के बारे में। नॉर्मली आशा के अंडर 1000 पॉपुलेशन आती है और सब सेंटर में 3000 to 5000 पॉपुलेशन आती है और PSC में 2500 to 30000 पॉपुलेशन आती है और CSC बोले तो 80000 to 1,20,000 पॉपुलेशन आती है। यदि स्टाफ की बात कर लें तो सब सेंटर में 3 to 4 स्टाफ होना जरूरी है और PSC में बात कर लें तो 13 to 14 स्टाफ होना जरूरी है और CSC की बात कर लें तो 45 to 46 स्टाफ होना जरूरी है। अब हम बात कर लें बेड्स के बारे में। सब सेंटर में 0 से लेकर 3 बेड होना चाहिए। 0 से 3 कैसे? जैसे कि नो या फिर मिनिमम डिलीवरी हो रही है तो 0 to 1 बेड होना चाहिए और यदि मोर देन 20 डिलीवरी पर मंथ हो रही है तो 2 to 3 बेड होना चाहिए। यदि बात कर लें PSC के बारे में, यदि लेस देन 20 डिलीवरी हो रही है तो उसको लो लोड बोलेंगे, तो कितने बेड होना चाहिए? 4 to 6 बेड होना चाहिए। यदि बात कर लें हाई लोड के बारे में, मतलब मोर देन 20 डिलीवरी पर मंथ, तो 6 to 8 बेड होना चाहिए। यदि बात कर लें CSC लेवल पर, 30 to 50 बेड होने चाहिए रूरल एरिया में और अर्बन में 50 to 100 बेड होने चाहिए। यदि बात कर लें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बारे में, मोर देन 100 बेड होने चाहिए। ये मैंने एक सब लिखा है FRU CSC, फर्स्ट रेफर यूनिट CSC। ये क्या होता है? इसमें मेडिसिन डॉक्टर, सर्जन डॉक्टर, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थेसिया डॉक्टर, ऑफ्थाल्मोलॉजी डॉक्टर, सारे आपको यहाँ मिलेंगे और प्लस ब्लड बैंक मिलेगा आपको। तो ये क्या है? फर्स्ट रेफर यूनिट। सारे PSC केस यहाँ पर आएंगे ताकि CSC पर लोड ना हो। यदि CSC में 30 बेड में CSC पर होना चाहिए और 50 FRU CSC में होना चाहिए। ये बात कर ली हमने रूरल की, और अर्बन की बात करें तो 50 CSC पे होंगे और 100 FRU CSC पर होंगे। यदि क्वेश्चन आता है FRU CSC पे कितने बेड होते हैं तो 50 to 100 बेड्स। तो आज का टॉपिक था हमारा आयुष्मान भारत। मुझको आशा है वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू।